हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अब्देक. आई एम चिमथानावाला फ्रॉम ग्रे सीलिंग होम्योपैथी. आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी मैं लेना चाहूँगा, विच आई हैव सीन इन माई प्रैक्टिस. हम लोग ये रेमेडी यूज करते हैं फॉर हर्पिस, फॉर नर्व इन्वॉल्वमेंट. एंड द रेमेडी इज रेनिकुलस बल्बोजस, इंटरकॉस्टल न्यूरालजिया के जो वापरते हैं हम लोग. आई हैव फाउंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट विथ रेनिकुलस बल्बोजस इन रिगार्ड्स टू माइंड सिम्टम, जो आपसे डिस्कस करूंगा आज मैं. रेनिकुलस बल्बोसिस के अंदर मैंने देखा है, आई हैव सीन ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स काफी रहती है. मतलब पेशेंट्स के अंदर हम देख जब सिम्टम देखेंगे तो हमको समझ में आता है कि ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स क्या होती है. सो कोई भी रेमेडी को एक स्पेसिफिक चीज के लिए मत यूज कीजिए कि भाई अगर इंटरकॉस्टल न्यूरालजिया है तो रेनिकुलस बल्बोसिस ही देना है या इसके ऊपर इसका एक्शन नहीं है, ऐसा मत सोचिए. ऑफकोर्स इंटरकॉस्टल रोमैटिज्म के न्यूरालजिया के लिए रेनिकुलस बहुत अच्छी रेमेडी है, इट गिव्स गुड रिजल्ट्स. बट नाउ हियर आर द माइंड सिम्टम्स ऑफ रेनिकुलस बल्बोसिस विच आई हैव सीन इन माई प्रैक्टिस. एंगर ऑल्टरनेटिंग विद केयर्स. देर वॉज अ पेशेंट वेयर द पेशेंट वॉज सो एंग्री विथ हिज चाइल्ड. बच्चे जितना गुस्सा था बिकॉज के अच्छे मार्क्स नहीं आते थे और बहुत चिल्लाता था, दो शब्द उल्टे बोलता था. एट द सेम टाइम फिर बोलता था मैं क्या करूँ आपके लिए, ये करना है वो करना है, और दोनों स्टेट्स दिखती थी उसके अंदर. एंड आई क्योर्ड दैट केस विद दिस रेनिकुलस बल्बोसिस विद ऑल्टरनेटिंग स्टेट. सो द फर्स्ट थिंग इज एंगर ऑल्टरनेटिंग विद केयर्स, और यू कैन से एंगर ऑल्टरनेटिंग विद डिसकंटेंटमेंट. एंगर ऑल्टरनेटिंग विद डिसकंटेंटमेंट ही नहीं रहता है, फिर सडनली कंटेंटमेंट आ जाता है, गुस्सा रहता है, फिर केयर्स भी आता है. या एंगर ऑल्टरनेटिंग विद डिसकरेजमेंट. मतलब पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब कभी मुझे लगता है कि मेरी बीमारी ठीक होंगी या नहीं होंगी, फिर कभी लगता है नहीं ठीक हो जाएगी. जैसे हमारे अंदर भी लगता है कभी कभी, जब कोई पेशेंट ठीक हो गया तो हमको लगता है वाह अभी हम उम्मीद में अच्छा हमारा होल्ड आ गया, हम ये रेमेडी अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. लेकिन सडनली पता पड़ता है वो रेमेडी अगले पेशेंट में काम नहीं कर रही, फिर डिस्करेज हो जाते हैं. सो एंगर ऑल्टरनेटिंग विद डिसकरेजमेंट, दैट इज ऑल्सो रेनिकुलस बल्बोसिस. या एक स्टेप आगे जाएंगे हम, एंगर ऑल्टरनेटिंग विद टिमिडिटी. देखिए कितनी ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स, डिसकरेजमेंट ऑल्टरनेटिंग विद एंगर, मैंने बताया डिसकंटेंटमेंट, अभी बता रहा हूं मैं डिसकरेज ऑल्टरनेटिंग विद एंगर. उसके आगे हम जाएंगे तो इरिटेबिलिटी, सॉरी कंडीशन इरिटेबिलिटी, वो भी ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स है रेनिकुलस बल्बोसिस में. इरिटेबिलिटी ऑल्टरनेटिंग विद एंगर, मतलब चिड़चिड़ करना, फिर गुस्सा करना, फिर चिड़चिड़ करना, फिर गुस्सा करना, ये भी रेनिकुलस बल्बोसिस के अंदर दिया गया है. या फिर इट इज सेड इरिटेबिलिटी ऑल्टरनेटिंग विद कावर्डाइस. ये कावर्डाइस शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी हमको एक ये शब्द आता है कावर्डाइस, वी थिंक अबाउट लैकोपोडियम. बट ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स, कभी कभी हम केस्टी में देखते हैं पेशेंट कितना स्ट्रांग है, कितना ऑडेशियस है, कितना करजिस है, फिर सडनली केस्टी में लगता है ये कितना कावड़ आदमी है. सो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या लेना चाहिए, कावड़ाइस ले कि करेजियस ले या बोल्ड ले. बट अगर ये पेशेंट के अंदर ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स है, इरिटेबिलिटी ऑल्टरनेटिंग विद कावर्डाइस, देन यू मस्ट थिंक अबाउट रेनिकुलस बल्बोसिस. और एक स्टेप आगे जाएंगे, इरिटेबिलिटी ऑल्टरनेटिंग विद टिमिडिटी इज ऑल्सो रेनिकुलस बल्बोसिस. सो माय डियर फ्रेंड्स, कितनी ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स है, एंगर है, इरिटेबिलिटी है, विच ऑल्टरनेट्स विद दीज कंप्लेंट्स, द रेमेडी इज रेनिकुलस बल्बोसिस. अगर आपने नहीं कभी पढ़ा होगा तो जरूर पढ़िए किताब में, और बहुत सारे मेंटल कंडीशन है, बट ये कंडीशन में मुझे मेरे प्रैक्टिस में काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं. वेरी क्लोज टू रेनिकुलस बल्बोसिस लाइक इरिटेबिलिटी ऑल्टरनेटिंग विद टिमिडिटी, इरिटेबिलिटी ऑल्टरनेटिंग विद कावर्डेस, और एंगर ऑल्टरनेटिंग विद टिमिडिटी, और एंगर ऑल्टरनेटिंग विद डिसकरेजमेंट. और एक रेमेडी आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयरली हम प्रिस्क्राइब करते हैं, बट वो उसके अंदर भी ये स्टेट्स है, एंड दैट इज जिंकम मेटालिकम. सो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी रेमेडी को प्रिजुडाइजली मत देखिए, अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर. फॉलोअप नंबर 6, पेशेंट के अंदर भी और रेमेडी के अंदर भी अगर आप यूज करते हैं तो वही रेमेडी एक ब्रॉड सेंस में आपको डिफरेंट कंडीशंस में यूज करने का मौका मिलता है. माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.